तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब गेमिंग चैनल फैंस्टास। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ, मतलब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी कैसे रखो, कस्टम हर्ड अपना कैसे बनाओ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब सेटिंग में जाना है आप लोग को गाइस, और उसके बाद हमें जाना है सेंसिटिविटी में। तो मैं आप लोग को इसे रिसेट करके बता दूँ। देखो जनरल में हमें सेंसिटिविटी रखनी है कम से कम 92 और 95 के बीच में, तो आप लोग 95 भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं इसका रीज़न भी देता हूँ, क्योंकि आप जब प्ले करते हो गेम तो आप ड्रैग करोगे तो वो हेडशॉट बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सबसे पहले हमारा जनरल हो गया, 95 रखो आप, 92 से 95 के बीच में। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग रेड डॉट आप लोग 85 रख सकते हो, नॉर्मल में 85 ही आता है, तो आप लोग इसको 100 और 85 के बीच में कहीं भी रख सकते हो, मतलब आप लोग की मर्जी है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो 2x आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 2x आपको रखना है 67 तक, 65 से 69 के बीच में आप लोग रखना है, क्योंकि 2x आप लोग जानते हो क्लोज रेंज में 2x का काम आता है, और आप उसको ज़्यादा अगर सेंसिटिविटी 100 कर दोगे या 90 कर दोगे तो वो पूरा सेट नहीं होगा एनिमी पर, ठीक है। और 4x आप लोग ले सकते हो 80, और AWM इसको आप लोग पूरा 100 ले लो। तो अगर आप लोग इसी तरह से ट्राई करोगे तो ज़रूर आप लोग का कोई चेंज आएगा। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल फैम स्टैप को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइज। और चलते हैं हम लोग अगले कंट्रोल्स पे। तो कंट्रोल्स पे ये आप लोग देख सकते हो, कुछ मेरे कंट्रोल्स हैं, आप लोग चाहो तो इस वीडियो पॉज करके देख सकते हो और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो आप लोग एक नज़र इस पर मार लो और फिर हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग जाएंगे कस्टम HUD पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कोई और बटन दबाना चाहते हैं लेकिन दब जाता है कोई और बटन। तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा तरीका है, तो आप लोग सुनो उसमें क्या करना है। आप लोग को ट्रांसपेरेंसी सबकी अच्छी खासी रखनी है, 100 100 100 100 100, ठीक है। और आपका अगर एक्टिव स्किल है तो एक्टिव स्किल को आप लोग साइड में आप लोग की मर्ज़ी का रखो, ठीक है। तो राइट फायर बटन को आप लोग 75% साइज़ में रखो, राइट जंप बटन, मतलब जंप बटन एक ही है, आप लोग उसको साइज़ में 80 रखो। उसके बीच में आप लोग स्कोप रख सकते हो 40 के साइज़ में, स्कोप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो पूरा कवर कर लेगा हमारे बटन को, तो 40-42 रख सकते हो। रीलोड का बटन आप लोग को जहाँ से लगता है रखो, और ये प्रोन और क्रॉच का बटन गाइज आप लोग यहीं रखना, प्रोन और क्रॉच का बटन, ताकि आप लोग अगर डबल फिंगर हो, 3 फिंगर या 4 फिंगर हो, तो ये क्रॉच और प्रोन का बटन आप लोग के लिए बहुत काम आने वाला है। ये यहाँ पर हम लोग ऐसे थोड़ा सा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा छोटा रखेंगे या ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो हमें गन सेलेक्ट करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेफ़्ट साइड की तरफ। तो लेफ़्ट फायर बटन आप लोग, मेरा कुछ इस प्रकार है, आप लोग चाहो जैसे रख सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा इसकी साइज 100 और ट्रांसपेरेंसी 100 रखने की, और सबसे कोने में, क्योंकि अगर आप लोग 2 फिंगर हो तो बहुत आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा लेफ़्ट वाले थंब से इसे फायर करना। स्प्रिंट बटन आप लोग यहाँ रख सकते हो, इसके लिए कोई बात नहीं, इमोट यहाँ मेरा है और यहाँ पेट का इमोट है। और आप लोग अगर ग्लू वॉल, ग्रेनेड, बाकी सब चीज़ों को यहाँ रखते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है आप लोग के लिए ग्लू वॉल और ग्रेनेड को सेलेक्ट करने के लिए। ये बैग है मेरा, और यहाँ पे है मेडकिट, और ये है मूविंग, मतलब एरो जहाँ जिससे हम लोग मूव करते हैं। तो ये थी मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो ज़रूर से मेरे चैनल फाइव स्टार को सब्सक्राइब कर देना, जिस तरह से मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरी तरफ ऑटो पिकअप की तरफ। ऑटो पिकअप मेरा स्पीड फास्ट है, और मेरी सारी चीज़ ऑन है, बस एक ही चीज़ ऑफ है, स्पेशल इक्विपमेंट। जैसा कि आप लोग देखते हो कोई ग्रास इक्विपाई हो जाता है हमारा, या कोई बॉक्स इक्विपाई हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ऑफ कर देते हैं। और ये साउंड आप लोग मेरा देख सकते हो, मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं म्यूज़िक बहुत कम करता हूँ, और साउंड इफेक्ट ज़्यादा रखता हूँ, वॉइस नॉर्मल होता है। हमारी कुछ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, और जिस जो बहुत सारे लोगों को होती है, और मैं आप लोगों को बताने चाहता हूँ, जिन लोगों को, मतलब जो लोग पबजी में से आए हैं या बहुत सारे अलग गेम्स में से आए हैं, उनको फ्री फायर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग इस फाइल के बटन को टैप करके आप फ्री फायर का हर एक चीज़ जान सकते हो, कैसे खेलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का बटन, आप लोग इसे टैप कर दो तो आप लोग को पता चल जाएगा फ्री फायर खेला कैसे जाता है, ठीक है। तो ये पूरा लोड कर देगा, तो ये इजेक्टिंग के टाइम का है, फिर ये गेम में है। देखो गाइज यहाँ पे ये जो ग्रेनेड वाला बटन था ये आगे बताता है, तो और ये देखो आप लोग ये कैसे हम लोग गन पिक कर सकते हैं, ये बाकी सारी चीज़ें जो हमें बताती है ये यहाँ पे है।
कि पूरी चीज़ें हैं व्हीकल कंट्रोल से लेके हर एक चीज़ तक जो यहाँ पे है वो हमें यहाँ बता देगी। गाइस यही थी वो कुछ चीज़ें जो मुझे आप लोग को बताई थी। और हम लोग बढ़ते हैं मैप की तरफ, तो आप लोग को पता है हमारे गेम में 3 मैप है, पर्गेट्री, बरमूडा और कालाहारी। और अभी भी आ चुका है पर्गेट्री 2.0। तो अब जाते हैं इन गेम में। इन गेम में गाइस ये है लैंड माइन, मतलब पबजी में नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता शायद से। तो लैंड माइन का क्या काम होता है, आप लोग कहीं भी इसे रख सकते हो और आपका टीममेट इस पे आएगा तो वो उसे कुछ नहीं होगा लेकिन आपको होगा, और बाकी कोई एनिमी आएगा तो उससे ब्लास्ट हो जाएगा और वो मर जाएगा। ये ग्लूवॉल है, ये हमारी पबजी में नहीं थी ग्लूवॉल, और ये फ्री फायर में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास सामने परमानेंट कवर नहीं है तो आप ग्लूवॉल लगा के आप कवर ले सकते हो। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि आप लोग इमेजेस देख सकते हो, आप ग्लूवॉल सेलेक्ट करो, उसके बाद सामने कहाँ लगाना है और उसके बाद फायर बटन को आप दबा दो तो ये ग्लूवॉल आपकी लग जाती है इस तरह से। अ वॉल दैट ब्लॉक्स इनकम डैमेज एंड व्हीकल्स, नोट दैट द वॉल विल ब्रेक आफ्टर रिसीविंग टू मच डैमेज। तो ज़्यादा डैमेज पड़ने पर यह वॉल खराब हो, मतलब गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, या थोड़े टाइम के बाद ये इनविजिबल होता है। ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, फ्लैश बैन, ये सब चीज़ें तो बहुत ही कॉमन सी हैं, आप लोग को पता होगी। ये है डिकॉय ग्रेनेड, मतलब किसी इंसान को खड़ा कर देगा कुछ टाइम के लिए। ब्रिक ग्रेनेड, मतलब एक दीवार खड़ा कर देगी, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, किसी एक अलग अलग गेम प्लेज में होता है। फिर ये वेस्ट लेवल 1, वेस्ट लेवल 2, वेस्ट लेवल 3, वेस्ट लेवल 4, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है गाइस। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मशरूम की तरफ, इन्फो बॉक्स की तरफ, और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये एक लॉन्चर है जिससे हम लोग कोई डिस्टेंस बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं हवा में उड़ के, वो भी सर्फ बोर्ड के साथ। और ये है जेपलाइन जिसे हम लोग पकड़ के, ऐसे जैसे कि लॉन्चर का काम होता है लेकिन हम लोग इसमें हवा में नहीं रहते हैं और लटके रहते हैं। मतलब मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग फ्री फायर रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, और हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज़रूर मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे पलट 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 उलट के देख सकते हो। तो अब आगे आते हैं हम लोग वेपन्स की तरफ। M4A1, जिस जिस वेपन्स का आप लोग को अगर जानना है कि वो कैसे वर्क करती हैं तो इस साइड में आके आप लोग इसे चेक कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कौन सी ARMO वेपन है। M4A1, AK-47, फामास, M249, ग्रोजा, SKS, M14, स्कार, M60, एग्जेमेट एंड AN-94। फिर ये सारी बात हो गई हमारी ARMO गन की। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कौन सी गन ले क्या लें, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप फर्स्ट स्लॉट में AR गन लिया करो और सेकंड स्लॉट में SMG गन, जैसे कि UMP, MP5 और MP40। अगर इन तीनों में से चॉइस है तो आप MP40 प्रेफर करना, P90, VSS और थॉमसन। तो अगर इन तीनों में से चॉइस है तो आप थॉमसन प्रेफर करना। और अब हम आते हैं शॉट गन में, और आप शॉट गन को सेकेंड वाले स्लॉट में ले सकते हो, SMG गन को सेकंड वाले स्लॉट में ले सकते हो। तो शॉट गन M1014, ये भी अच्छी शॉट गन है, ये थर्ड स्लॉट के लिए है, और ये सेकंड स्लॉट के लिए, ये भी सेकंड स्लॉट के लिए। ये वाली बेस्ट शॉट गन है गाइस, दो गोली वाली, इसे बहुत लोग दो मुंडा भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं स्नाइपर पे, AWM, ड्रैगनो, Kar-98। ये कुछ तीन स्नाइपर्स थे जो इस गेम में मेनली मिलते हैं, M8-2B के बारे में यहाँ नहीं दिया है। तो EWM सबसे बेस्ट स्नाइपर है जिसमें आप स्कोप इन करके ही मार सकते हो। ड्रैगनव स्कोप आउट का भी स्नाइपर है, तो ये आप लोग ये दोनों में से प्रेफर कर सकते हो। अब हम लोग जाते हैं रेयर में, तो ये लॉन्चर वगैरह कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा। फिर हम लोग पिस्टल्स में जाते हैं, पिस्टल्स की बात उतनी नहीं करेंगे, और जो प्लाज्मा है वो भी पिस्टल में आती है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ प्लाज्मा बहुत ही अच्छी गन है, मतलब प्लाज्मा रेयर में आती है, पिस्टल में नहीं आती है। तो प्लाज्मा बहुत ही अच्छी गन है गाइस, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। और आगे बढ़ते हैं मिली वेपन, मजल, ये सब वगैरह चीज़ें मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं, अटैचमेंट से ये सब, तो इसके बारे में सबको पता होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से दबाना, और अपने फ्रेंड्स को भी प्रेफर करना हमारा चैनल, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर एक चीज़ लाते हैं जो आप लोग को चाहिए। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताई थी मुझे कि गेम में ऋतिक रोशन का एक कैरेक्टर जय आने वाला है 1 तारीख से, तो उसके लिए कौन कौन इंतज़ार है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय।